दो नंबर्स का अगर हमें पता करना है कि ये कोई भी नंबर हमें अगर ये पता करना है कि कंपोजिट है या नहीं, उसका ये प्रोग्राम बनाया गया। एक बार इसको चलाते हैं, सबसे पहले इसको रन करवाएंगे, तो रन करवाते वक्त ही हम सेव करेंगे कंपोजिट के नाम से। किस नाम से सेव करेंगे? कंपोजिट के नाम से। आई होप कि आपको ये पता होगा ही कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको सेव कर दिया, और जब ये चलेगा तो पूछेगा कोई भी नंबर एंटर कीजिए, तो क्या दो कंपोजिट है? तो कंपोजिट नहीं है, दो जो है कंपोजिट नहीं होता है, ठीक है। दो एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम होता है, क्योंकि दो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर इसको फिर चलाते हैं और इस बार थ्री को पता करते हैं, थ्री कंपोजिट है या नहीं। तो थ्री भी कंपोजिट नहीं है, ठीक है, थ्री भी प्राइम नंबर होता है। चलिए एक बार और इसको चलाते हैं और अब पता करते हैं कि फोर कंपोजिट है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, तो देखिए फोर एक कंपोजिट नंबर है। क्या सिक्स कंपोजिट है? चेक करते हैं, फाइव और सिक्स को चेक करेंगे। तो फाइव चेक करते हैं, तो ये देखिए फाइव कंपोजिट नहीं है, फाइव तो ऑड होता है। और यहां से सिक्स को चेक करते हैं, तो सिक्स एक कंपोजिट है, ठीक है। तो फोर से लेकर के सारे नंबर्स जो है कंपोजिट होने शुरू, सारे नंबर नहीं बल्कि फोर से ही कंपोजिट होने शुरू हो जाते हैं नंबर्स, जैसे फोर है, सिक्स है, एट है, तो ये कंपोजिट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे नंबर कंपोजिट हो जाएंगे, फोर के बाद फाइव कंपोजिट नहीं होगा, सिक्स हो सकता है, सेवन नहीं होगा, एट हो सकता है, नाइन नहीं होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।